खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खरगोन से है जहां पर आनंद नगर क्षेत्र में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। मौके पर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। दो लोगों को इस दरमियान हिरासत में ले लिया गया है। चार दिन बाद जिला प्रशासन ने दी थी कर्फ्यू में ढील, तो ये बड़ी खबर। मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने ढील दी थी उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति जो है वापस से बदतर होती जा रही है। तो आनंद नगर क्षेत्र में पत्थरबाजी का एक बार फिर से मामला सामने आया है। मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि दो लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है। इससे पहले भी पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन चार दिन बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में थोड़ी ढील दे दी, जिसका जो खामियाजा है वो फिर से भुगतना पड़ रहा है। दो लोगों को इस दरमियान पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी गहनता से पूछताछ जारी है। तो जिस तरीके से कर्फ्यू क्षेत्र में लगाए गए थे और उसके बाद जो है जनता की सहूलियत के लिए यहाँ पर कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई थी, लेकिन वापस से पत्थरबाजी का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और आपको बता दें कि वापस से पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, दो लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, उनसे भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर खरगोन से, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया था जिले में और उसके बाद से स्थिति जो थी वो निरंतर थी, लेकिन जिस तरीके से चार दिन बाद जो है कर्फ्यू को हटाने के बाद वापस स्थिति जो है वो बद से बदतर नजर आ रही है। सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, जिस तरीके से कर्फ्यू हटाने के बाद वापस से पत्थरबाजी का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट? जी तरन्नुम, मैं बता दूं आपको कि खरगोन में विगत चार दिनों से कर्फ्यू लागू है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं छूटपूट घटनाएं हो ही रही है। देर रात में आनंद नगर क्षेत्र में पथराव की घटना हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा और वहां से दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो कल प्रशासन के द्वारा दो बार महिलाओं को ढील भी दी गई थी कर्फ्यू में, और आज भी करीब 10 से 12 तक सभी वर्गों के लिए ढील दी जा रही है, पर कहीं ना कहीं छुटपुट वारदातें अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। नरेंद्र, ऐसे में क्या कुछ फिलहाल अभी स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी अभी पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू है और पूरा पुलिस प्रशासन फोर्स पूरा तैनात है, उसके बावजूद जिस तरीके से देखा जाए तो देर रात में कहीं ना कहीं से अफवाहों का दौर जारी रहता है, कहीं ना कहीं छुटपुट वारदातें होती रहती है। ठीक नरेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ भी लगातार जारी है। कर्फ्यू में ढील देने के बाद वापस से स्थिति जो है बद से बदतर नजर आई है, और आपको बता दें कि पुलिस बल को फिर से तैनात किया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।